Zombie Apocalypse. भर को प्रणाम, छोटे को प्यार, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं ग्लोब डॉटर सौरभ। कल मॉर्निंग है इंडिपेंडेंस डे और आज रात को हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एक प्रोग्राम में। इनफैक्ट मेरे बचपन से फर्स्ट टाइम, मेरा एज काफ़ी हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसे किसी मूवमेंट के बारे में मैं ना तो मतलब देखा ना तो पार्टिसिपेट किया कभी। आप लोग, और कल आज़ादी का सुबह है और आज रात को पूरे पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम महिलाएं जो है वो रास्ते पे उतर रहे हैं एक प्रोटेस्ट में, कह सकते हैं। रिसेंटली एक कहानी, कलकत्ता के एक फेमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आरजी कौर हॉस्पिटल एंड कॉलेज, तो उसमें किसी बच्ची का, मतलब एक जूनियर डॉक्टर लेडी लड़की का ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया गया। और उसमें जो है, दिस इज़ वेरी सैड स्टोरी, और उसमें जस्टिस के लिए, जस्टिस फॉर अर्जी कौर स्लोगन दे करके महिलाएं जो है वो सड़क पे जा रहे हैं, और साथ में जितना भी मेल सपोर्टर्स हैं या फिर जो भी मॉरली इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी सड़क पे जाएंगे रात को 11 बजे से लेकर के जब तक गाड़ी ना चल रही, मतलब पूरी रात कह सकते हैं। तो ये दिस इज़ समथिंग यूनिक कॉन्सेप्ट एंड मस्ट मेंशन, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा या पॉलिटिकल पर्संस, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड कोई भी इसमें अलाउड नहीं है, बिकॉज जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे इसको वो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे, किसी को माइलेज नहीं देना है। दिस इज अ प्रोटेस्ट टूवर्ड्स द रॉन्ग पीपल, टूवर्ड्स द रॉन्ग सिस्टम एंड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट और टूवर्ड्स अ ब्राइटर डे टूमोरो फॉर आवर डॉटर्स, घर के लड़कियों के लिए एक अच्छे दिन आए। और आज़ादी के एक दिन पहले ऐसा करना, मतलब दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ आज़ादी का लड़ाई आप बोल सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग यूनिक। मैं जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, मैं, मेरे मिसेस भी जा रही, इसमें भी दे आर द प्राइमरी पार्टिसिपेंट, एक्चुअली हम लोग सपोर्ट में जा रहे हैं, तो जितना हो सकता है मैं शूट करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ अ प्रोटेस्ट, तो कुछ मज़ेदार बात तो नहीं है, बट स्टिल आई थॉट के दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो मेरे चैनल वेस्ट बंगाल के बाहर से भी बहुत लोग देखते हैं, तो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड के, एंड दे शुड नो कि बंगाली कुछ भी गलत होता है तो आवाज़ उठाने में सबसे पहले पहुँचते हैं। तो आई एम प्राउड बंगाली, और ये मूवमेंट जो है टूवर्ड्स, मतलब डेडिकेटेड टूवर्ड्स देम ऑल्सो। चलो लेट्स मूव। बता दूं, हम लोग अकेले ही नहीं है, हमारे बिल्डिंग के कई सारे लोग साथ में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, दैट इज़ जादवपुर 8B बस स्टैंड, वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो वहाँ हम लोग कुछ रिक्शोज बुला लिए, तो वैसे ही चलेंगे सब मिल के। तो चलो लेट्स मूव, आपको दिखाते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। क्या बात है, ये दिन है कि रात है, इतने लोग और इतनी मतलब भीड़, ये क्या होने जा रहा है? आई डोंट नो, आई नेवर सॉ सिंस माय बर्थ इतने लोग। 15th अगस्त रात 12 बजे से पहले इतना भीड़, एंड दिस इज टूवर्ड्स अ नोबल कॉज। यस, जितना भी लेडीज है स्पेशली वो सड़क पे उतर है आज टूवर्ड्स अ जस्टिस, और एक ही सबके मतलब आवाज है, वी वांट जस्टिस। एंड दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ये एकदम मतलब आपके और मेरे जैसे जो भी है जिनका पॉलिटिक्स हार्डली समझ में आता है वो सड़क पे उतर आए। क्यों? क्योंकि आपके मेरे घर के एक बच्ची के साथ गलत हुआ है, और ये इसी का नाम है आज़ादी।
इसी का नाम है इंडिपेंडेंस। इसीलिए हम लोग सड़क पे हैं आज, इसीलिए इंडिपेंडेंस डे से लेकर के आज तक के डेट में बॉन्ग्स का नाम ये सब में बहुत ऊपर है। वी बंगालीज किसी के साथ भी अगर गलत होता है ना, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़क पे उतर आते हैं आंदोलन के लिए कि इसके साथ जस्टिस करो, इनके साथ गलत हुआ है। आज किसी के साथ, किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, सारे लड़कियां सड़क पे उतर आए हैं, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये हमारे सीएम भी लड़की है, लेडी है, इसीलिए बिकॉज वी रेस्पेक्ट वुमेन। अच्छा, अगर साउंड क्वालिटी थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो रहा है तो प्लीज एडजस्ट, क्योंकि इस एरिया में पूरा जैमर लगा हुआ है। मे बी सिक्योरिटी रीजन से, बट आई डोंट नो व्हाई पूरा जैमर लगा हुआ है, तो दैट्स व्हाई शूट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं मोबाइल पे थोड़ा सा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोटेस्ट जो चल रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं, मतलब मैं तो हिलने का जगह नहीं है बिल्कुल। ट्रस्ट मी, मोर देन लैक्स ऑफ पीपल, और ये भी एक जस्ट छोटा सा वन स्पॉट है। ऐसे ही मोर देन 100 स्पॉट्स या 100 प्लेसेस जो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल पे हैं, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और ऑलमोस्ट लेडीज जो है वो सड़क पे उतर आए हैं, और साथ में जितने भी जेंट्स देख रहे हैं ना, ये इनके प्रोटेस्ट के लिए हैं। और ये दिस इज एकदम मतलब ऑपरेटेड बाय लेडीज, एंड ऑल वी आर प्रोटेस्टिंग टूवर्ड्स समथिंग हैपेंड रॉन्ग, तो उसके लिए हमें चाहिए जस्टिस, और जस्टिस होगा, बहुत जल्दी होगा। वी हैव फुल फेथ ऑन द सिस्टम, और जितने भी अपने मिनिस्ट्रीज है या जो भी है जिनके हाथ में पावर है टू गिव द जस्टिस, दे आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन दिट, ऑन दिस वी हैव दैट ट्रस्ट। तो बाकी मैं ये इसलिए कवर कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि देखिए कितनी भारी तादाद में जनता उतर आए हैं सड़क पे, एंड मोस्टली आर लेडीज एंड वी बॉन्ग्स। कुछ भी गलत होता है ना तो हम लोग ऐसे ही उतर आते हैं, और ये आज़ादी के जस्ट 15 अगस्त के थोड़ा सा पहले की बात है, मतलब कुछ मिनट और थोड़ी देर में 15 अगस्त हो जाएगा, हम लोग मतलब आज़ादी का 78th ईयर सेलिब्रेट करेंगे, और वो सेलिब्रेशन में ये भी एक पार्ट रहेगा। तो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट एज अ डिफरेंट इंडिपेंडेंस डे। ये बहुत ही बढ़िया टूवर्ड्स सोशल मैसेज एंड ऑल के बॉस, गलत मत करना, नहीं तो आपके अगेंस्ट में हम लोग खड़े हैं, पूरा सोसाइटी खड़ा है, ध्यान से। जैसे ये देखिए लाखों के तादाद पे लोग, और ये बच्ची भी उतर आए हैं टू सपोर्ट जस्टिस, और ये मेरा रात दाखिल करो मीन्स लेडीज कैप्चर द नाइट, ये एक बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ है, एंड आई सॉ इट फर्स्ट टाइम सिंस बर्थ। सो अभी फिर घर के तरफ, काफ़ी रात हो चुका है, अभी नाउ देर बज गया ऑलमोस्ट। तो आज का पूरा प्रॉब्लम महिलाओं का, तो सब 12-1 बजे सो जाने वाले, आज आंदोलन, बट बहुत बढ़िया। ये पोस्टर्स, ये प्रोटेस्ट्स, ये देखिए सब सीनियर सिटीजन लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी दिस इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस वी आर श्योर कि ये जल्दी होगा, एंड वी हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन आवर गवर्नमेंट, तो ये होगा। और ये एक डिफरेंट इंडिपेंडेंस डे का शुरुआत होने जा रहा है अभी रात से, और हमें ये कॉन्फिडेंस है कल सुबह एक नया दिन एक नई आशाएं लेके आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज सुबह ये हमारे कॉम्प्लेक्स में फ्लैग वेस्टिंग भी हुआ है,
मैं सुबह का प्रोग्राम दिखा नहीं पाया बिकॉज आई वॉज नॉट देयर, तो क्योंकि एक्चुअली कुछ लोग जानते हैं कि मेरा राइडिंग भी एक पैशन है, तो और मेरा जो राइडिंग क्लब है उसका बर्थडे है, तो हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, तो वही करने के लिए गया था। ये देखिए ड्रेस वेस पहन के एनीवे तो ताकि वहाँ का कुछ खास, मैं अनफॉर्चुनेटली इस बार शूट नहीं कर पाया बिकॉज मेरा कैमरा धोखा दे दिया इस बार, थोड़ा हैंग वैंग हो रहा था और कुछ मैं लेट भी हो गया था, क्योंकि कल रात का जो एपिसोड, कल इनफैक्ट ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कल रात से हुआ शुरू, कल रात का जो एपिसोड दिखाया दैट वाज ऑसम, तो इसके बाद रात को सोते सोते ऑलमोस्ट 3:30 बज गया घर वापस आके, आज सुबह उठने में भी लेट हो गया एंड आई वाज रनिंग लेट, तो आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके भागना पड़ा एंड कुछ खास कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया, पर जो भी है यही है, आज इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन सुबह फ्लैग होस्टिंग के साथ हुआ है, एक्सपेक्टेड शाम को कुछ अगर प्रोग्राम वगैरह हुआ तो वो दिखाएंगे, अदरवाइज देखेंगे कुछ करते हैं, बट मैं जो भी करूँगा आपको दिखाऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ये इस वीडियो को एंड प्लीज़ पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सब सुखी रहें, शांति से रहें और सावधान रहें। आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी अगर प्रोग्राम होगा जो भी होगा मैं दिखाऊंगा, तो कॉम्प्लेक्स में कुछ खास नहीं हुआ बट अराउंड कोलकाता बहुत खास प्रोग्राम्स हुआ है। दिस इज़ विक्टोरिया मेमोरियल, आपके सामने तिरंगे से सजा हुआ, वो भी लाइट के तिरंगा, ब्यूटीफुल लग रहा है नहीं? आप कमेंट करके प्लीज़ बताएं कैसा लग रहा है आपको। और ये हम लोग पहुंच गए रेड रोड या इंदिरा गांधी सरणी जो आज के डेट का नाम है। तो यहाँ पे जितने भी स्पेशल प्रोग्राम्स वेस्ट बंगाल का होता है जैसे रिपब्लिक डे परेड एंड 15th अगस्त सेलिब्रेशन, सब कुछ यहीं पे होता है, ये पूरा पंडाल बना हुआ एंड दिस इज अ रोड जहाँ पे फाइटर जेट उतर सकता है। यस आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, इट्स अ फैक्ट। ये साइड के लाइट पोस्ट हटा देना तो ये रास्ता वैसे ही रनवे पैच बना हुआ, दिस इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता। तो यहाँ पे आज सुबह का इंडिपेंडेंस डे इवेंट हुआ है, जो भी सेलिब्रेशन होना था वो हुआ है एंड दिस इज अ हाई सिक्योरिटी जोन जिसके अंदर से हम लोग जा रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छे से सजा हुआ, आप लोग इंजॉय कीजिए, हम लोग तो इंजॉय कर ही रहे एंड दिस इज कोलकाता। कल रात को दिखाया था ना कि ये प्रोटेस्ट वाला, ये सेलिब्रेशन वाला कोलकाता, तो वी बॉन्ग्स वी आर एवरीवेयर, हम लोग प्रोटेस्ट में भी है, हम लोग सेलिब्रेशन में भी है, तो हमें हर जगह मिल जाएगा हम लोग। तो एनीवे आप लोग एंजॉय कीजिए, आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा तो फिर आप लोग कमेंट करके मुझे बता ही देंगे, प्लीज़ बताइएगा। हाँ आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। और इसके बाद नाउ वी आर एंटरिंग बीबादी बाग या डलहौजी, बीबादी बाग विनय बादल दिनेश बाग, द फेमस 3 फ्रीडम फाइटर्स। तो ये हमारे सामने है राजभवन, ये हमारे यहाँ पे ना राजभवन या ये सब आपको मिल जाएगा बिकॉज दिस इज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, दिस वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया और बहुत बढ़िया सजा हुआ। ये देखिए आपके सामने लाइट से इतना, ये रहा, दिस इज राजभवन, दिस इज गवर्नर्स हाउस एक्चुअली, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए। एंड दिस इज कोलकाता हाई कोर्ट, द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये आज के डेट पे तो खाली है, वैसे यहाँ पे चलने का जगह नहीं होता, अभी मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ तो बिकॉज 15th अगस्त है, तो बहुत बढ़िया सजा हुआ लाइट वगैरह से और यहाँ पे लाइट एंड साउंड आज के डेट में हो रहा है, कुछ स्पेशल फीचरिंग हो रहा है जो अभी दिखाने के लिए आपको मैं आया यहाँ पे, अभी रात को खाली है बिल्कुल, तो दैट्स वाई मैं दिखाने के लिए आ गया। ये सामने यस ये हो तो रहा है, मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ स्पेशली इसको कैप्चर करने के लिए। 24 सितंबर 1932 मास्टर का शोर शेर मंत्री
দীক্ষিত পীড়িতা বাদ পনেরো জন সশস্ত্র বিপ্লবীকে নিয়ে পাহাড় তুলি ইউরোপের কলকাতা হাইকোর্ট হল ভারতের প্রাচীনতম হাইকোর্ট। এটি হাইকোর্টের আইন 1861 অধীনে 1862 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের উপর এই দেয়া হয়েছে। মুখে বলতে এতটুকু, কিন্তু অর্জন করতে পার হতে হয় লড়াই, রক্ত, ভ্রাতৃত্বের ইতিহাস। বীণা দাস কলকাতা মহিলাদের জন্য একটি আধা বিপ্লবী সংগঠন ছাত্রী সংঘের সদস্য ছিলেন। 6 ফেব্রুয়ারি 1932 তিনি কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ঘোষ পেলেন ভারত, যার স্বীকৃতি দিয়েছিল 18টি দেশ। শুধু আমরা যেন ভুলে না যাই কত রক্ত, কত সংগ্রামের বিনিময়ে আজকের এই স্বাধীনতা। প্রতিটি গর্বিত ভারতবাসীর সাথে আজ গৌরবের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি আমরাও। আর ইয়ে হ্যায় রাইটার্স বিল্ডিং ইয়া মহাকরণ, প্রবাবলি আপ টু 2011 ইট ওয়াজ দ্য মেইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। जो ब्रिटिश के ज़माने के बाद पूरा मतलब अप टू 2011 ये यही था मेनली। अभी शिफ्ट हो गया नवर्न, तो ये दिस इज़ ये फेमस है लाल बिल्डिंग करके, मतलब रेड कलर है तो, और महाकरण बोल करके। अभी ना ये पूरा लाइट से सजा हुआ, ब्लू एंड वाइट लाइट से सजा हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो दिस इज़ ऑल्सो मतलब हिस्टोरिकली इट्स अ वेरी फेमस राइटर्स बिल्डिंग करके गूगल कर लीजिएगा, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। तो इसके साथ ही खत्म होता है आज का एपिसोड, जो कि शुरू हुआ था एक रेवोल्यूशन से, आंदोलन से, और खत्म हो रहा है सेलिब्रेशन से। तो एनीवे, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे। आप लोग सब अच्छे से रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज कम बैक अगेन। Thank you.